हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इससे पहले हमने देखा था हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं। अब हम देखेंगे माइक्रोब्स जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हाउ दे आर हेल्पफुल। ठीक है, द फर्मेंटेशन एक्टिविटीज ऑफ द माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज इन द इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर द मैनकाइंड। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिकली यूज प्रोडक्ट इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल बायोलॉजी। ठीक है, इंडस्ट्रियल बायोलॉजी भी बोलते हैं इसको। इंडस्ट्रियल माइक्रो बायोलॉजी इज द कंसर्न विद द यूटिलाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बहुत सारे प्रोडक्ट्स का जो है प्रोडक्शन होता है, और माइक्रोब्स जो है बहुत सारे चीज़ों से प्रिवेंशन के लिए हेल्पफुल भी होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल माइक्रो बायोलॉजी में क्या होता है, देखो जो इंडस्ट्रियल माइक्रो बायोलॉजी है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो कि किसी भी माइक्रोब्स और उनके एंजाइम्स के थ्रू वो प्रोसेस कैरीड आउट होती है। द रिक्वायरमेंट ऑफ द होल प्रोसेस, होल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट में सबस्ट्रेट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक कंट्रोल्ड फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है। ठीक है, हाई यील्ड ऑफ डिजायर्ड सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब कि अच्छी क्वालिटी का और ज़्यादा अमाउंट का डिजायरेबल सब्सटेंस प्रोड्यूस करने के लिए वहाँ पर सब्सट्रेट यूज़ होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं और फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में माइक्रोब्स किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं। बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए, विटामिन हो गए, वैक्सीन हो गई, उन सब में कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, मतलब कि माइक्रोब्स जो हैं, दे आर हेल्पफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सच काइंड ऑफ फार्मास्यूटिकल मेडिसिंस। ठीक है ना, देखो सबसे पहले एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। द टर्म एंटीबायोटिक वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द सलमान वास्कम इन 1942। अकॉर्डिंग टू हिम, एंटीबायोटिक्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं उनके अकॉर्डिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं, एंड विच आर यूज टू किल और इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो क्या करती हैं, बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती हैं, मतलब कि रोक देती हैं। ठीक है, सिंस द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928, टुडे फंजाई, बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसिटिस आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग वेराइटीज ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन कमर्शियल स्केल्स। मतलब कि पेनिसिलिन सबसे पहली एक एंटीबायोटिक है जिसको यूज़ किया गया था, मतलब कि जिसको बनाया गया था विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद वैराइटीज ऑफ एंटीबायोटिक्स जो हैं कमर्शियल स्केल पर प्रिपेयर की जा रही हैं। ठीक है ना, और ऑन द वन ऑफ द बेस्ट एंड द ओल्डेस्ट मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज बाय ब्रिंगिंग अबाउट फर्मेंटेशन यूजिंग स्ट्रेन्स ऑफ पेनिसिलियम नोटैटम और पेनिसिलियम क्रेसोजेनम। ठीक है ना, इन द कल्चर मीडियम सबसे अच्छा तरीका होता है पेनिसिलिन को बनाने का, एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलम नोटैटम या फिर पेनिसिलम क्रिसोजिनम, इसका फर्मेंटेशन करके उसको बनाया जाता है कल्चर मीडियम में। ठीक है, प्रैक्टिकली लैब में प्रिपेयर किया जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन विग्रस एगिटेशन और एरिएशन इज एसेंशियल, अदरवाइज द यील्ड इज पुअर। मतलब कि वहाँ पर एरिएशन होना ज़रूरी है, अदरवाइज जो यील्ड है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, पुअर क्वालिटी की होगी। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड एंटीबायोटिक। देखो गुड एक अच्छी एंटीबायोटिक की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि इट शुड बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब कि शुड बी एबल टू डिस्ट्रॉय ऑल द स्ट्रेन्स ऑफ द पैथोजन। ऐसी होना चाहिए कि वो पैथोजन्स को डिस्ट्रॉय कर सके। शुड नॉट हैवी और एनी साइड इफेक्ट इन द होस्ट, हैवी डोज हैवी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए उसका होस्ट पर जो उसको ले रहा है उस पर। इट शुड चेक द डेवलपमेंट ऑफ द रेसिस्टेंट स्ट्रेन्स ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। उसमें मतलब कि जितने भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेवलपमेंट को चेक करके उसको रेसिस्ट करने के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, उसकी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उसको रेसिस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दे शुड किल द पैथोजन बाय डिस्ट्रप्टिंग अ वाइटल लिंक इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि वो किस तरीके से किल करना चाहिए किसी भी पैथोजन को, कि
जो एक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट करें, ठीक है ना। इसके बाद एक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक शुड बी स्पेसिफिक ऑन पैथोजन, इट शुड नॉट बी हार्मफुल टू नेचुरल यूजफुल माइक्रोफ्लोरा ऑफ द होस्ट। मतलब कि उसका एक्शन कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब कि जिस पर्टिकुलर डिसीज़ के अगेंस्ट हम वो एंटीबायोटिक ले रहे हैं वो उसी के अगेंस्ट काम करना चाहिए। मतलब कि स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक जो है वो प्रोवाइड होती है, ठीक है ना। सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द मेन सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स। मोर देन 7,000 एंटीबायोटिक्स आर नोन टूडे, जिसमें सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वही एंटीबायोटिक्स के मेन सोर्स होते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स सॉरी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेम भी दिए, जैसे यू बैक्टीरिया, एक्टिनो बैक्टीरिया, फंजाई। दिस यू हैड ऑलरेडी स्टडीड इन योर 11th क्लास, है ना। मोस्ट ऑफ द यू बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन बाय द बैसिलस स्यूडोमोनस। बैसिलस स्यूडोमोनस एक बैक्टीरिया है जिससे बहुत सारी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होती हैं। यू बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस की जाती हैं। अ सिंगल जेनरा स्ट्रेप्टोमाइसिस एक्टिनोमाइसिटिस से प्रोड्यूस की जाती है, जिसको हम पोटेंशियल सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं, जो कि 40 से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स को कमर्शियल एप्लीकेशन पर बनाती है, ठीक है ना। उसमें सबसे ज़्यादा किसका यूज़ होता है, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्ट्रेप्टोकोकस सॉरी स्ट्रेप्टोमाइसिस का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग एंटीबायोटिक्स होती हैं। अब यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें दिया हुआ है एंटीबायोटिक्स फ्रॉम यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया से कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स बनती हैं और उनका क्या मोड ऑफ एक्शन होता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट वाले टेबल में दिया हुआ है एंटीबायोटिक्स फ्रॉम द एक्टिनो बैक्टीरिया एंड देन एंटीबायोटिक्स फ्रॉम फंजाई। मतलब कि हर अलग अलग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे अलग अलग टाइप की एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के कुछ यूजेस होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज कॉज बाय पैथोजेंस। एंटीबायोटिक्स मेनली कौन से डिजीज के लिए यूज होती हैं, जो डिजीज पैथोजन से कॉज होते हैं ना। आपको पता है पैथोजेंस क्या है, हमने ह्यूमन डिजीज वाले चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। मैनी प्लांट डिजीज लाइक मिल्स लीफ स्पॉट एक्सेट्रा कैन बी ट्रीटेड बाई यूजिंग एंटीबायोटिक्स। प्लांट्स डिसीज में भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है। एंटीबायोटिक्स को वेडिसाइड्स की तरह भी यूज़ करते हैं, मतलब कि खाद की तरह, ठीक है ना। और एंटीबायोटिक्स आर यूज टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ द कल्चर मीडियम, जो कल्चर मीडियम लैब में प्रिपेयर किया जाता है उसकी कंटामिनेशन मतलब कि उसको ख़राब होने से रोकने के लिए भी एंटीबायोटिक्स का यूज़ होता है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो होती हैं प्रिजर्वेशन के फॉर्म में भी यूज़ होती हैं, ठीक है ना, फूड प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में भी यूज़ होती हैं। फिर नेक्स्ट है जुडिशियस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, मतलब कुछ और अलग यूजेस जो हमने चैप्टर 8 में ऑलरेडी स्टडी किए हुए थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अभी हमने देखा एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, उसके यूजेस, ठीक है। नाउ स्टेरॉइड प्रोडक्शन, स्टेरॉइड जो होते हैं, स्टेरॉइड्स आर अ काइंड ऑफ ह्यूमन मेड केमिकल्स, ठीक है ना। ह्यूमन मेड केमिकल्स होते हैं जो कि एक टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। अब स्टेरॉइड प्रोडक्शन क्या है, स्टेरॉइड्स एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच हैव अ वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। बहुत सारी उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं। दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ द सैचुरेटेड टेट्रासाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड पेरीहाइड्रोक्सी साइक्लोफेनेफ्थलोन हैविंग 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग्स एंड अ साइक्लोपेंटाएन रिंग, ठीक है। यहाँ पर जो ये रिएक्शन दी हुई है, देखो अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं, स्टीरोइड्स जो होते हैं ना, केमिकल्स और माइक्रो बायोलॉजिकल मेथड का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। मतलब कि कुछ केमिकल्स और कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट्स जो होते हैं उनको कंबाइन करके कुछ टाइप के हार्मोन्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे कि डेरिवेटिव्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। इसके बाद कुछ अलग अलग टाइप के, जैसे सबसे पहले यहाँ पर तो एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रोजेस्टेरोन का, देखो। देन इट डिराइव्स ऑल्सो बाय इट्स बायो ट्रांसफॉर्मेशन। देखो प्रोजेस्टेरॉन में क्या होता है,
जब उससे उसको किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, तो 11 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। वहाँ पर कुछ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस टेक्स प्लेस एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ द हॉर्मोन्स टेक्स प्लेस। ठीक है ना, यहाँ पर दिया हुआ है इट इंक्लूड्स कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड, बाइल जूस, मेल हॉर्मोन्स टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हॉर्मोन्स प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेंस एंड इस टाइप की हॉर्मोन्स जो है, ये स्टेरॉइड प्रोडक्शन के थ्रू हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं देखो, फंजाई होता है, बैक्टीरिया होता है और एक्टिनोमाइसिटिस होता है। फंजाई में राइजोबियम, निग्रिकेन्स, इस तरीके के कुछ फंजाई यूज होते हैं, और बैक्टीरिया में कॉरिन बैक्टीरियम, सिंप्लेक्स, सेप्टोमैक्सा एफिनिस, इस टाइप के बैक्टीरियाज यूज होते हैं। ठीक है, फिर एक्टिनोमाइसिटिस में स्ट्रेप्टोमाइसिस और नेरकोडिया, ये जो है एक्टिनोमाइसिटिस हैं जो कि स्टेरॉइड्स के प्रोडक्शन के लिए, विच टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स एज एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, और विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स देर बी अ केमिकल रिएक्शन एंड देन द स्टेरॉइड्स गेट्स फॉर्म। ठीक है, अब यूजेस क्या है स्टेरॉइड्स के। स्टेरॉइड्स जो होते हैं इम्पॉर्टेंट थेरापीटिक यूजेस होते हैं उनके, मतलब कि थेरेपी के फॉर्म में उनके कुछ यूजेस होते हैं। ऑल्सो इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस जब हो जाता है बॉडी में, ठीक है, वहाँ पर इनको ट्रीट किया, वहाँ पर स्टेरॉइड्स का यूज़ करके ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑटो इम्यून डिसीज अगर हो जाते हैं तो स्टेरॉइड्स यूज होते हैं। ठीक है, या फिर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है पेशेंट का, तो टू सप्रेस रिजेक्शन एंड द इम्यून रिस्पॉन्स। फिर स्टेरॉइड्स आर वाइडली यूज इन द स्टेरॉइड्स आर वाइडली यूज इन द फैमिली प्लानिंग रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स, डेट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के प्रोडक्शन में भी स्टेरॉइड्स का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है विटामिन प्रोडक्शन, दिस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।